कि एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था जो सेंटर चेंज किए गए हैं उसको लेकर के, और दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पे सिवान जंक्शन पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीआरपी पुलिस उनके सामने खड़ी है क्योंकि ये ट्रेन को रोकना चाह रहे हैं, मगर पुलिस इनको अपने साथ रखी हुई है। यहाँ पर जिलाध्यक्ष जापके हैं और उसके बाद सभी जन अधिकार पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनसे हमारी बातचीत भी होगी कि किस लिए आखिर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल मंत्रालय के विरोध में जमकर नारे लगा रहे हैं, पीयूष गोयल के खिलाफ जमकर नारे लगा रहे हैं, इनसे हमारी बातचीत होगी। आप देख सकते हैं एटीएन लाइव पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिवान जंक्शन से। बताइए पूरा मामला क्या है, किस लिए आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी जन अधिकार पार्टी पूरे बिहार में रेल चक्का जाम कर रही है क्योंकि छात्रों को रेलवे का ग्रुप सी और डी का बहाली है, जिसमें बिहार के छात्रों को भुवनेश्वर बहुत बहुत दूर 4000 किलोमीटर हैदराबाद भेजा गया, अहमदाबाद भेजा गया है, जिसको कम से कम एक छात्र पर 5000 से 10000 रुपया खर्च पड़ेगा, जो छात्र कहाँ से लाएगा? या तो सरकार इसको कैंसिल करे, स्टेट में ही परीक्षा करावे, आ नहीं तो कहना छात्रों को वहाँ रहने के लिए रेल का नाम फ्री करे और रहने के लिए खाने के लिए सबकी व्यवस्था करे, यही हमारी पार्टी का मेन मांग है। और नहीं क्या आप लोग यहाँ पर रेल चक्का जाम करेंगे? हाँ, रेल चक्का जाम करेंगे, लेकिन प्रशासन भी यहाँ पर है, वो आपको जाम नहीं करने देगा। ठीक है, हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन तो करेंगे, हम तो विरोध करबे न करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। हाँ, विश्वनाथ यादव, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी सिवान। आप लोग यहाँ पहुँची हुई है किस लिए? किस लिए रेल चक्का जाम करना है? छात्रों के अधिकार के लिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आपके? छात्र का जो एग्जाम जो दूर दूर दे रहा है उसके लिए हम लोग करेंगे। हर आदमी, हर इंसान एक जैसा नहीं है, गरीब भी है, अमीर भी है। हम चाह रहे हैं कि जो उसका सेंटर जो दे रहा है वो आसपास के करीब में दे। हंगामा करने से, प्रदर्शन करने से क्या जो डिमांड है वो पूरी हो सकती है? पूरी होगी, नहीं होगी तो हंगामा हो, सदन से लेकर के लड़ेंगे। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि एसएम जो स्टेशन मास्टर है उनके द्वारा एक अभी पेपर की कटिंग दी गई है और उसमें यह कहा गया है कि जो डिमांड था वो पूरा कर दिया गया है, कल तक का समय दिया, क्या इसकी जानकारी आप लोगों को है? अभी जानकारी हम लोग नहीं, हमारा घोषणा, हमारा जानकारी करना होगा ना प्रदर्शन करने के पहले। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो अध्यक्ष जी बताएंगे हमारे, उसके भी पूनम सिंह महिला अध्यक्ष। तो आप देख सकते हैं कि ये जाप के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जिस तरह से स्टेशन मास्टर ने बताया है कि जो रेलवे विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें यह कहा गया है कि कल तक का समय, यानी कि 2 अगस्त तक का समय दिया गया है, जो कि रेलवे के जो भी छात्र हैं जो परीक्षा देने के लिए जिनका बाहर सेंटर गया है वो अपना जगह चयन कर सकते हैं। लेकिन शायद इन लोगों को जानकारी नहीं है क्योंकि राजनीति भी करना है इन्हें, अगर जानकारी हो जाएगी तो फिर इनकी राजनीति नहीं चल पाएगी, ऐसे में छात्रों पर ही इनकी राजनीति संभव है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जीआरपी के थाना प्रभारी, इनसे बातचीत होगी। क्या कहना चाहेंगे सर, कुछ जो जानकारी प्राप्त हुई है जो कि कल तक का समय दिया गया है और फिर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पे चक्का जाम ये लोग करेंगे? हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, बताए ही आपको स्टेशन मास्टर साहब। तो चक्का जाम करेंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? चक्का जाम थोड़ी करने देंगे, अगर उस तरह की कोई बात होगी तो कस्टडी में भी लिया जा सकता है। एकदम। अच्छा सर, छात्रों द्वारा जो पत्थरबाजी किए गए थे उसमें कुछ FIR भी दर्ज हुआ है क्या? ना, अभी कहाँ कोई पत्थरबाजी का कोई सूचना विशेष नहीं है हम लोग। तो आप देख सकते हैं, आपको हम सीधी तस्वीरें सिवान रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं कि जो छात्र थे वो हंगामा कर रहे थे, उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, छात्रों द्वारा पत्थरबाजी भी किए गए, जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया है, लेकिन जो जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सिवान जंक्शन पर पहुंच चुके हैं रेलवे चक्का जाम करने के लिए, मगर जीआरपी पुलिस भी उतनी ही सख्त है और उन्हें रेलवे चक्का जाम नहीं करने देगी। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार की विशेष रिपोर्ट।